मनी में आपका स्वागत है। इंश्योरेंस के खिलाफ शिकायतों का आंकड़ा तेजी से बढ़ता जा रहा है। एजेंट जो गलत पॉलिसी बेचते हैं उससे मिस सेलिंग की शिकायतें बढ़ती ही जा रही हैं। तो क्या आप अपने आप को मिस सेलिंग के शिकार होने से बचा सकते हैं? बिल्कुल बचा सकते हैं, अगर आपके पास सही जानकारी हो और इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स की पूरी समझ हो। योर मनी में हमारी आज यही कोशिश होगी कि हम आपको इंश्योरेंस से जुड़े हर पहलू की जानकारी दें, और इसमें मेरा साथ देंगे अपना पैसा.com के सीईओ हर्ष रुंगटा। हर्ष, आपका स्वागत है। रियल प्लेजर। तो चलिए शुरुआत करते हैं सवाल जवाब के सिलसिले के साथ, और हमारा जो पहला सवाल है वो हमें ईमेल के जरिए तरुण ने भेजा है। हर्ष, इनके पास तीन पॉलिसीज हैं। जीवन सरल है, जीवन सरल की दो पॉलिसी ले रखी है, एक 15 साल की अवधि के लिए और एक 30 साल की अवधि के लिए, और इनके पास LIC का एक एंडोमेंट प्लान भी है और साथ ही एक मनी बैक पॉलिसी भी लेके रखी है इन्होंने, और ये दोनों ही 20-20 साल की अवधि के लिए। अब ये ट्रेडिशनल पॉलिसीज हो गई। इसके अलावा इन्होंने अपने लिए एक यूनिट प्लान भी लिया हुआ है ICICI प्रो से, जिसकी अवधि है 15 साल की। अब इन सभी में ये प्रीमियम सालाना भर रहे हैं। तो बेसिकली देखा जाए तो इन्होंने इंश्योरेंस में अपनी पूरी इन्वेस्टमेंट कर दी है। बिल्कुल। सिमिलरली एक और केस हमारे पास है, दीपक ने हमें ईमेल किया हुआ है। इनके पास दो यूलिप प्लान्स हैं, अवीवा इजी लाइफ प्लस है जिसमें सालाना प्रीमियम में भरते हैं 50,000 रुपए, और इन्होंने अपनी फंड वैल्यू अभी चेक की है जो है 2,80,000 से कुछ ज्यादा। दूसरा इन्होंने लिया हुआ है बिरला का एक यूलिप प्लान जिसमें ये भरते हैं 30,000 रुपए सालाना, फंड वैल्यू 1,08,000 के आसपास है, और ये भी जानना चाहते हैं कि क्या ये इन पॉलिसीज में बने रहे या नहीं। अब दोनों ही केसेस को हम यहाँ पे कंसिडर करते हैं। तो सबसे पहले इंश्योरेंस में इन्वेस्टमेंट का क्लियर केस है ये। अगर हम तरुण का पहले सवाल लें तो ट्रेडिशनल प्लान्स में अगर हम रिटर्न के लिहाज से देखें तो 5-6% ज्यादा तो रिटर्न इनको मिलेगा ही नहीं। साथ ही इंश्योरेंस में इन्वेस्टमेंट अगर हम करते हैं रिटर्न के लिहाज से देखा जाए तो इन्फ्लेशन को तो कभी भी इनके रिटर्न यहाँ बीट नहीं करते हैं। तो जी बिल्कुल, आज 5-6 की उम्मीद है। बिल्कुल। अब लोग ये भी कह सकते हैं जो मिस सेलिंग की आपने कार्यक्रम के शुरू में ही बात की कि मैं कंपनी तो कभी आपको ऐसा कोई इलस्ट्रेशन नहीं देगा, लेकिन एजेंट लोग बेचने के लिए बड़े बड़े इलस्ट्रेशन दे देते हैं, जिसके चक्कर में आके मेरे ख्याल से उन्होंने ये पॉलिसी ले भी ली है सारी। कई तरीके से मिस सेलिंग होता है। सबसे बड़ा मिस सेलिंग ये होता है, इन्वेस्ट करिए 30,000 रुपए 10 साल के लिए यानी 3 लाख, 10 लाख रुपए पाइए। ओके, अब ये इसमें छुप जाएगा कि आप 10 साल के लिए 30,000 कर रहे हैं, पैसे आपको 25 साल के बाद मिलने शुरू होंगे सालाना। बिल्कुल। तो उसमें रिटर्न वही 5-6% छूटेगा। अच्छा, वो भी गारंटीड नहीं है, वो भी गारंटीड रिटर्न उसमें 0.5-1% होगा। तो ये जो एक मेरे ख्याल से 3 या 4 जनरेशन्स हैं इंडिया की जो जिनको ये लगता है कि इंश्योरेंस अगर उससे पैसा वापस नहीं आता तो वेस्ट है। तो ये एक जो गलत धारणा बंधी हुई है कि टैक्स बचा लो और इन्वेस्ट भी कर लो, तो टैक्स बचा के 5-6% ले रहे हैं तो पोस्ट टैक्स उसका रिटर्न आपका 7 या 8 होता है, और वही पैसा आप PPF में डालिए तो टैक्स भी बचेगा, रिटर्न भी ज्यादा मिलेगा और शायद इंश्योरेंस पॉलिसी से सेफ है, बेटर सेफ है। सो क्लियरली आई थिंक इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट को मिक्स करना बहुत ही आपकी फाइनेंशियल सेहत के लिए हानिकारक है। एक संवैधानिक चेतावनी देनी चाहिए कि इंश्योरेंस इन्वेस्टमेंट के लिए खरीदना आपकी फाइनेंशियल सेहत के लिए हानिकारक है। इनफैक्ट हमारे अपना पैसा में हम क्लाइंट्स को ये ही बताते हैं कि इंश्योरेंस वैसी, इंश्योरेंस ऑन द अदर एंड बहुत जरूरी है, लेकिन इंश्योरेंस ऐसी लीजिए, और एक बहुत ही इजी तरीका है, बिकॉज लोग कंफ्यूज कर देते हैं कि क्रिटिकल इलनेस होने पे ये मिलेगा। पॉलिसी इंश्योरेंस की वो अच्छी है जिसमें आप ये चाहें कि जो जो वो बता रहे हैं पैसे वापस मिले वो आपको ना मिले, आपकी मन में यही इच्छा हो। अगर ऐसे इवेंट होने पे अगर आपको पैसे मिल रहे हैं या आपके परिवार को पैसे मिल रहे हैं तो वो इंश्योरेंस पॉलिसी अच्छी है, वरना वो अच्छी नहीं है। आई थिंक दैट एक वो मापदंड हम रख सकते हैं इंश्योरेंस पॉलिसी के लिए। अब इनके जो सवाल है, अब ये तो ऑलरेडी कर चुके हैं इन्वेस्ट, अब ये है कि जब किया था तब ये बात लागू होती थी, अब ये घुस चुके हैं। अब ट्रेडिशनल पॉलिसीज में खास करके
एक एक लेवल आएगा जिसके बियॉन्ड फिर इट मेक सेंस टू कंटिन्यू बिकॉज उसकी सरेंडर वैल्यू बहुत ही पुअर होती है जी। तो उतना आपकी सरेंडर वैल्यू, अब आपके पास आज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है, सरेंडर वैल्यू ले लो आप या फिर फ्यूचर प्रीमियम भरते रहो और जो एक कोई भी प्रोजेक्टेड रिटर्न है वो मिल जाएगा। इसका अगर आप IRR निकालें, बहुत कम कस्टमर्स निकाल पाते हैं अनफॉर्चुनेटली, वो अगर आपको 8, 8.5, 9% से ज्यादा मिलता है तो वो अच्छी पॉलिसी है। एक उसमें भी एक मापदंड अगर दे दें तो अगर आपकी 15 साल की पॉलिसी है और उससे एक तिहाई से ज्यादा 6-7 साल आपको हो चुके हैं तो इन मोस्ट केसेस अब आपके लिए वो उसमें कंटिन्यू रखना ठीक ठाक होगा। अच्छा, तो ऐसा एक मापदंड हो सकता है। इन्होंने भी पूरी डिटेल्स नहीं दी, नहीं दी है, इन्होंने कब ये पॉलिसीज ली है उसकी डिटेल्स इन्होंने यहाँ पर नहीं दी है। ओके, और जहां तक यूलिप का सवाल है तो यूलिप में तो आपको फंड परफॉर्मेंस भी देखना होगा और चार्जेस देखने होंगे। अब जो पुराने चले गए वो तो चले गए, वो तो आप रिकवर नहीं कर सकते हैं। अब फ्यूचर में आपको क्या चार्जेस देना है और रिटर्न क्या मिल रहा है, बिकॉज ऐसी पॉलिसीज भी हैं जिसमें फंड परफॉर्मेंस अच्छा है, चार्जेस के वजह से आपकी एनएवी आपने जो प्रीमियम दिया उससे कम है, लेकिन अगर फ्यूचर में वो चार्जेस नहीं लगने हैं और फंड मैनेजर अच्छा है तो यू कैन कंटिन्यू। तो अगेन ये मतलब एक जवाब अनफॉर्चुनेटली इसका नहीं है, ये हर जवाब को देख समझ कर ही देना होगा। तो जहां तक ट्रेडिशनल प्लान्स का सवाल है, यहाँ पे तो आपको IRR जैसा कि आपने कहा कैलकुलेट करना पड़ेगा, लेकिन अगर मैं यूलिप्स की बात करूं, यूलिप्स क्योंकि मार्केट लिंक्ड होते हैं तो क्या इनमें इन्वेस्टमेंट किसी गोल से लिंक करके करने में समझदारी होगी और लंबी अवधि के लिए अगर आप किसी यूलिप में बने रहे तो क्या ये फायदेमंद होगा? पहली बात तो अगर नया ले रहे हैं तो न ले, तो वो तो पहले जवाब है, जो अब ऑलरेडी इन्वेस्टेड है तो जैसे मैंने कहा अब इट उसको आप एक म्यूचुअल फंड की तरह ट्रीट करिए। म्यूचुअल फंड में आप कब बने रहेंगे, अगर उसका फंड परफॉर्मेंस अच्छा है और चार्जेस लो है तो यही चीज आप यूलिप में भी चेक कर लीजिए। आई एम अज्यूमिंग कि इंश्योरेंस तो आपको जरूरत है जी। और नहीं जरूरत है तो फिर वो भी चार्ज हो गया, वरना उसको चार्ज को मत गिनिए। सो दैट इज द वे, मैं हर यूलिप को सेपरेटली देखना होगा। अच्छा, उसमें कई फंड्स की परफॉर्मेंस अपने बेंचमार्क से पुअर है तो जैसे म्यूचुअल फंड में से आप निकल जाएंगे दूसरे कोई म्यूचुअल फंड में चले जाएंगे। बिल्कुल, लेकिन इस केस में दूसरी जगह जाने में जो कॉस्ट लगता है उसको भी आपको टेक इन टू अकाउंट करना होगा, सरेंडर चार्जेस टेक इन टू अकाउंट करना होगा, बस और कोई डिफरेंस नहीं है। वरना जो जो डिसीजन आप म्यूचुअल फंड में लेते वही डिसीजन आप यूलिप में लीजिए। तो अभी ये दीपक की जो दो पॉलिसीज हैं, अविवा इजी लाइफ प्लस और दूसरी जिन्होंने बिरला की एक यूलिप प्लान लिया हुआ है, उसके बारे में आपका क्या कहना है? इन्होंने फंड वैल्यू भी कैलकुलेट की हुई है। तो इन्होंने जो पॉलिसीज ली है, अब जैसे इन्होंने अविवा की पॉलिसी पहली ली है, उनके 3 साल क्या 5 साल हो चुके हैं, अब उनका प्रीमियम एलोकेशन चार्ज 5% है, यानी फ्यूचर प्रीमियम्स पे करेंगे उसमें से 5% कट जाएंगे। ठीक है, और पॉलिसी एडमिनिस्ट्रेशन चार्ज जो बहुत भारी पड़ता है वो करीबन 0.5% है पर साल, तो 5.5% का उनका कॉस्ट है, सॉरी ये 0.5% सम अशोर्ड का है, तो ये बहुत हेवी चार्ज है, तो बहुत ही हेवी चार्ज है। और वेरी वेरी क्लियरली इसका फंड परफॉर्मेंस भी अच्छा नहीं रहा है, तो इसमें से तो निकल जाना चाहिए। सरेंडर चार्ज भी ज्यादा नहीं है, ठीक है। जो दूसरी पॉलिसी है BSLI में, उसका भी चार्जेस हाई है और उसका भी फंड परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहा उस पर्टिकुलर फंड का, इन्होंने फंड की डिटेल भी दी है। और तरुण की ICICI प्रू लाइफ अश्योर, प्रू लाइफ अश्योर्ड में भी उनका जो रिटर्न है 3.90% है और जो एक साल का नई पॉलिसी है, एक ही साल पहले ली है और बेंचमार्क 0.6% है, तो इसको डिसकंटिन्यू कर दें, पैसा अभी नहीं मिलेगा, पैसा 5 साल के बाद मिलेगा, लेकिन कम से कम 2,000-2,500 रुपए में इनकी इसमें से छुटकारा हो जाएगा। एंड प्लीज इंश्योरेंस ले लें, जिस पर्पस के लिए लिया था वो जाया ना जाए, लेना बहुत जरूरी है। तो तरुण और दीपक के साथ साथ तमाम दर्शकों को जो ये शो देख रहे हैं, इंश्योरेंस का मतलब इन्वेस्टमेंट नहीं होता है, इंश्योरेंस एक कवर होता है, जैसे कि यहाँ पे हर्ष ने भी कहा। इन सब के अलावा आपको अपने लिए एक टर्म प्लान लेना बहुत जरूरी होता है, और ट्रेडिशनल प्लान हो या यूलिप प्लान हो, इंश्योरेंस में रिटर्न के चक्कर में आपको इन्वेस्टमेंट
नहीं करनी चाहिए। फिलहाल योर मनी में वक्त है एक ब्रेक का, लेकिन अगर आप भी हमसे म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस या फाइनेंशियल प्लानिंग जुड़े सवाल पूछना चाहते हैं तो हमें ईमेल कीजिए mf@moneycontrol.com पर। सवाल भेजते वक्त अपना कॉन्टैक्ट नंबर जरूर लिखें। आप हमें फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। आपको विजिट करना है facebook.com/awazyourmoney और सवाल पोस्ट करने के साथ साथ योर मनी के पुराने एपिसोड भी आप यहाँ देख सकते हैं। योर मनी में आपका फिर से स्वागत है। आज हमारा फोकस है इंश्योरेंस पर और सवालों के जवाब दे रहे हैं अपना पैसा.com के सीईओ हर्ष रुमका। लेते हैं अगला सवाल। नीलेश मेहता का ईमेल आया है। इन्हें अपने लिए एक ऑनलाइन टर्म प्लान लेना है, 1 करोड़ का टर्म कवर ये चाहते हैं। हर्ष, नीलेश यहाँ पूछ रहे हैं कि किस कंपनी का क्लेम सेटलमेंट रेशियो बेहतर है। इन्होंने कुछ रिसर्च की है हर्ष। यहाँ पर IRDA की वेबसाइट पर जाकर इन्होंने क्लेम सेटलमेंट रेशियो चेक किया है, जहां अवीवा और SBI शील्ड का क्लेम सेटलमेंट रेशियो अच्छा है, जबकि एगोन का सबसे कम है, लगभग 66% का क्लेम सेटलमेंट रेशियो है। अब नीलेश ने और जानकारी निकालने की कोशिश की, ये गए एगोन की वेबसाइट पे, जहां कंपनी के मुताबिक 29 में से 26 क्लेम सेटल किए गए हैं। तो वैसे देखा जाए तो एगोन का सेटलमेंट रेशियो 66 के बजाय 90% यहां पर होना चाहिए। अब इनके कुछ सवाल हैं, एक एक करके लेते हैं, कई सारे सवाल हैं हर्ष। सबसे पहला सवाल, तो सही क्लेम सेटलमेंट रेशियो कहां से पता लगाया जा सकता है? इन्होंने IRDA की वेबसाइट पर देखा तो कुछ और रेशियो था, और एगोन की वेबसाइट पर जाके देखा तो कुछ और क्लेम सेटलमेंट रेशियो था। तो ऐसे में वाकई अगर कोई पॉलिसी लेना चाहता है, अपने लिए टर्म कवर लेना चाहता है, तो क्लेम सेटलमेंट रेशियो तो सबसे पहले कैसे देखा जाए, और दूसरा किस कंपनी, क्या वाकई हमें क्लेम सेटलमेंट रेशियो के तर्ज पे कंपनी डिसाइड करनी चाहिए? दो चीजें हैं। एक तो ये डिफरेंस का, जो क्लेम सेटलमेंट रेशियो का सबसे अथॉरिटेटिव सोर्स तो ऑब्वियसली IRDA का वेबसाइट है। अब डिफरेंस क्यों है? क्योंकि IRDA के वेबसाइट पे 2011-12 का क्लेम सेटलमेंट रेशियो है। 2011-12 के वर्ष में जो डेथ क्लेम्स हुए उसका क्या परसेंटेज सेटल हुआ हर कंपनी का, वो है। और जो उन्होंने जाके एगोन की वेबसाइट पर देखा वो इस साल का है, तो ऑब्वियसली डिफरेंस होगा जी। तो इस डिफरेंस से घबराने, मुझे नहीं लगता कि कोई भी कंपनी गलत इंफॉर्मेशन देगी। और क्लियरली एगोन ने ये दिया है क्योंकि क्लेम सेटलमेंट रेशियो एक बड़ा उनके लिए सेल्स ऑब्जेक्शन हो चुका है, इसीलिए दिया होगा, ऐसा मेरा मानना है। एंड जहां तक मेरा ख्याल है कि अब वो जो प्रॉब्लम होती है, क्लेम सेटलमेंट रेशियो नई कंपनी में, कोई भी नई कंपनी हो रिलेटिवली, उसका हमेशा एक बार ज्यादा होगा ही होगा क्लेम, जिसको कहते हैं डेथ रेप्यूडिएशन, डेथ क्लेम रेप्यूडिएशन रेशियो, कि इतने क्लेम आए उसमें से इतने नहीं माने गए। वो नई कंपनी में, क्योंकि एक तो बेस छोटा होता है, डेथ क्लेम्स आने में बहुत समय लगता है, और जो जल्दी डेथ क्लेम्स आते हैं उसमें रेप्यूडिएशन ज्यादा होता है। ये हर कंपनी के साथ होगा। तो आप देखेंगे कि जो पुरानी कंपनीज है उसमें धीरे धीरे डेथ सेटलमेंट, डेथ क्लेम सेटलमेंट रेशियोज बढ़ते जा रहे हैं। और कोई कंपनी ऑन अ लॉन्ग टर्म बेसिस लो डेथ क्लेम सेटलमेंट रेशियो नहीं रख सकता। इज इट इंपॉर्टेंट? मेरे ख्याल से इंपॉर्टेंट ये सिर्फ इसलिए है कि आप टर्म पॉलिसी अगर ले रहे हैं तो अपने मन की शांति के लिए रहे, पैसा तो कुछ मिलना नहीं, आप चाहेंगे कि भगवान करे ये पैसा कभी ना मिले, तो मन की शांति के लिए ले रहे हैं। और अगर आपके मन में अशांति हो रही है कि इसकी क्लेम सेटलमेंट रेशियो ज्यादा है जी, तो ऑब्वियसली ये इंपॉर्टेंट आपके लिए है, वरना शायद अगर आप फुल डिस्क्लोजर करें जी तो शायद इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अगला सवाल है इनका कि अगर भारत के बाहर इनके साथ कोई अनहोनी हो जाती है तो ऐसे में क्या इनके नॉमिनी को क्लेम मिलेगा? हाँ बिल्कुल मिलेगा, इट कवर्स डेथ wherever it happens। बिल्कुल, साथ ही अगर बीच में अगर ये देश के बाहर कहीं सेटल हो जाते हैं तो इस पॉलिसी में किस तरह के बदलाव की जरूरत होगी या ये पॉलिसी इनकी चलती ही रहेगी? मेरे ख्याल से एक्सेप्ट कि इनको बता देना चाहिए इंश्योरेंस कंपनी को नया एड्रेस और वहां से पेमेंट करते रहें, वो अलाउड है। और वो यहां क्या बढ़ेगा प्रीमियम? नहीं कुछ भी, कुछ भी नहीं होगा। अगला सवाल है इनका कि अगर इनकी पत्नी नॉमिनी है और अगर इन दोनों के साथ ही एक ही समय पे कोई अप्रिय घटना हो जाती है तो फिर क्या होगा उनके क्लेम का? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कस्टमर, इतना आदमी जो सोच रहा है वो ये पॉलिसी तो लेगा ही, कम से कम बहुत ही रिसर्च किया हुआ है।
तो ऐसा है कि ये आपके हर क्लेम के साथ लागू होती है बात, चाहे इंश्योरेंस का क्लेम हो, आपके म्यूचुअल फंड के पैसे हो, बैंकों के पैसे हो, आपका नॉमिनी भी आपके साथ भर जाए या आपसे पहले मर जाए तो क्या होगा आपके पैसों? इट विल गो बाय दी पर्सनल लॉ। अगर आपने विल लिखी है तो आपके विल के हिसाब से जाएगा। अगर आपने विल, और इसीलिए ये भी एक माध्यम मैं यूज करना चाहता हूँ कि प्लीज अपनी विल लिखिए। एंड सेकेंड इज, अगर विल नहीं लिखी है तो उसके जो भी पर्सनल लॉ, ये शायद हिंदू है तो हिंदू जो सक्सेशन एक्ट है उसके मुताबिक पैसे सेटल हो। एक आखिरी सवाल जो कि अगेन बहुत इंटरेस्टिंग है, फॉरेन इंश्योरेंस कंपनी का इंडियन कंपनियों के साथ यहाँ पर जॉइंट वेंचर है, अगर अपना ऑपरेशन कोई फॉरेन कंपनी यहाँ बंद कर देती है तो पॉलिसी का क्या होगा, प्रीमियम का क्या होगा, ये जानना चाहते हैं। सी, इंश्योरेंस इज वेरी रेगुलेटेड मार्केट, ये कोई ऐसा नहीं है कि आज कंपनी शुरू करी कल बंद कर दी। तो वेरी वेरी क्लियरली IRDA से रेगुलेटेड है। एक दो कंपनी जिन्होंने बेचा है उसका बहुत ही अच्छे से ट्रांसफर हुआ, तो ये घबराने की मेरे ख्याल से बिल्कुल। तो यहाँ पर जो है आपको जल्द से जल्द निलेश जी अपने लिए ऑनलाइन टर्म प्लान ले ही लेना चाहिए। आपके तमाम सवालों का जवाब यहाँ पे हर्ष ने दे दिया है। इसी के साथ योर मनी में फिलहाल वक्त है ब्रेक का, बने रहिए हमारे साथ। और मैंने आपका फिर से स्वागत है। आज हमारा फोकस है इंश्योरेंस पर, सवालों के जवाब दे रहे हैं हर्ष रुंगटा। लेते हैं अगला सवाल, यहाँ पे राजेश कुमार सैनी हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। नमस्कार, सवाल पूछिए। नमस्ते मैडम। नमस्ते, हेलो। हाँ जी मैडम, मेरा सवाल ये है कि मुझे 50 लाख का टर्म प्लान लेना था, तो अबीवा और HDFC में से कौन सा बेटर रहेगा? आपकी उम्र क्या है और आपकी सालाना आय क्या है? उम्र है 31। ठीक है, और एनुअल इनकम है 4.25 लाख। ठीक है, सबसे पहली बात तो कंग्रेचुलेशंस, आपने अपने लिए एक टर्म प्लान लेने के बारे में सोचा हर्ष, एक बहुत अच्छी बात है। काफी इन्फॉर्म दर्शक हमें आज शो पर मिल रहे हैं और अवेयरनेस टर्म प्लान को लेकर यहाँ पे बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है, जो कि बहुत अच्छी बात है। अब मेरे ख्याल से उन्होंने अवीवा लाइफ इंश्योरेंस और HDFC का टर्म प्लान यहाँ पे कंपेयर किया हुआ है, तो इससे पहले कि हम उन्हें बताएं कि कौन सा बेहतर है, इन्होंने क्लेम सेटलमेंट रेशियो के तर्ज पे ही ये कंपैरिजन किया होगा, किस कंपनी का अच्छा होता है, किसी कंपनी का नहीं होता है, इसके पीछे वजह क्या है? सी, जैसे अभी पिछले कॉलर के लिए भी हमने कहा कि नई कंपनियों का रिलेटिवली हमेशा थोड़ा लो होगा वर्सेस दी ओल्डर कंपनीज, तो HDFC पुरानी है तो उसका बेटर होना ही चाहिए अवीवा से, अवीवा रिलेटिवली नई कंपनी है। सेकेंड, एक चीज मैं बहुत क्लियरली बताना चाह रहा हूँ कि इवन आप 98% वाली कंपनी में चले जाइए, मेरे ख्याल से HDFC लाइफ का 96 है जी, ओके, शायद LIC का 98 है, लेकिन अगर आपका पॉलिसी अमाउंट ज्यादा है और पहले 2 साल में अगर क्लेम आएगा तो वो बहुत तरीके से इन्वेस्टिगेट होगा, चाहे आप 98 वाले में हो, चाहे 90 वाली कंपनी अच्छा। में हो, चाहे 64% वाली कंपनी में हो अच्छा। और अगर आपने कोई जानकारी छुपाई है तो वो 98% वाली कंपनी भी आपका क्लेम रिजेक्ट कर देगी, 64 वाला तो समझो करेगी ही करेगी। सो सबसे इंपॉर्टेंट चीज, क्लेम सेटलमेंट इंपॉर्टेंट है, पिछले जवाब में भी हमने कहा, लेकिन उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि आप कोई भी जानकारी छुपाए ना और सब कुछ अगर आप बता देते हैं तो फिर आप ये क्लेम सेटलमेंट रेशियो के बारे में चिंता करना छोड़ सकते हैं, और नहीं छोड़ सकते तो जो ब्रांड आपको अच्छा लगता है, जिससे आपके मन में कॉन्फिडेंस आता है, उस ब्रांड को लीजिए, थोड़े से पैसे ज्यादा लग जाएंगे। इन्होंने अवीवा और HDFC पूछा है, उसका कॉस्ट अगर हम लें 30 साल का तो अवीवा का 5,000 रुपया है, HDFC का 7,500 रुपए है, तो 200 रुपए महीने के, 400 रुपए महीने के अवीवा में लग रहे हैं, 600 रुपए महीने के HDFC में लग रहे हैं, 200 रुपए से अगर उनको मन में शांति मिलती है तो बेशक जाइए, दैट इज क्लियरली इस चॉइस, बट टर्म प्लान प्लीज लीजिए, आई थिंक दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट। क्या आपको लगता नहीं है कि ऑनलाइन टर्म प्लान जब लेते हैं लोग तो ज्यादा चांसेस होते हैं गलती करने के या जानकारी पूरी तरह से नहीं दे पाने में? इनफैक्ट इसका एग्जैक्ट रिवर्स है, जब भी इंश्योरेंस कंपनी से हम बात कर रहे हैं अच्छा। उनका अब ये अब एक्सपीरियंस हो गया, पिछले 4-5 सालों से ऑनलाइन टर्म प्लान चल रहे हैं, उसमें जो डिस्क्लोजर रेशोज है, जो लोग डिस्क्लोज करते हैं कि मुझे ये बीमारी है, मुझे ये है, मैं स्मोकिंग हूं, मैं ओवरवेट हूं, चूंकि
ऑनलाइन में कस्टमर खुद भर रहा है तो उसमें नॉन डिस्क्लोज और समझना ही पड़ता है क्योंकि आगे नहीं जा सकता जब तक वो भरेगा नहीं। तो ये जो ऑफलाइन में एजेंट लोग साइन ले लेते हैं और फिर खुद भर देते हैं और वो फिर ऑब्वियसली ऐसी चीज भरते हैं जिससे कि वो पॉलिसी निकल जाए न कि वो पॉलिसी अटक जाए। तो इनफैक्ट एक्सपीरियंस इंश्योरेंस कंपनीज का ये रहा है कि ऑनलाइन पॉलिसीज में डिस्क्लोजर इज मच बेटर, ऑफलाइन में इट इज नॉट सो गुड। तो यहाँ पर राजेश, जहाँ तक आपके सवाल का जवाब की बात है तो आप अपने लिए टर्म प्लान ले सकते हैं, HDFC का टर्म प्लान। यहाँ पर शायद हर्ष ज्यादा बेहतर बता रहे हैं और रेकमेंड भी कर रहे हैं आपको, तो जल्द से जल्द अपने लिए आप टर्म प्लान ले लीजिए। इसी के साथ बहुत बहुत शुक्रिया हर्ष आज तमाम सवालों का जवाब देने के लिए। और योर मनी में आज के लिए इतना ही, लेकिन आप बने रहिए CNBC आवाज के साथ। नमस्कार।